अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे खैरियत से। आज मैं बनाने जा रही हूँ KFC स्टाइल चिकन रैप। तो उसके लिए क्या क्या लगेगा चलो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, अच्छा सा वॉश करके ले लिया है, और मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से कट कर लेना, जैसे कि आप देख सकते इस हिसाब से मैं कट कर ली हूँ। और ये स्टील हैमर की मदद से मैं इसको अच्छे से पीटने का, इसको जितना मतलब इसको पतला बना सकते हैं उतना पतला बना देने का इससे हैमर के मदद से। और इस तरीके से ये बन जाना चाहिए लास्ट में। और ये मैंने सब, देखो आप देख सकते हैं, मैं सब पे मैंने हैमर से कर दिया है। और मैरिनेशन के लिए मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है एज़ पर टेस्ट, और मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने, और अनियन पाउडर लिया है मैंने, और पेपरिका पाउडर लिया है मैंने, और मैंने पेपर पाउडर लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके मैं इसको साइड में रख दूँगी। और जो हमारा चिकन हमने लिया था बोनलेस, उसमें इसको स्प्रेड करके अच्छे से इसमें डाल के मैरिनेशन का जो मसाला है, और 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें बचा लूँगी, पूरा नहीं डालूँगी एक साथ, और मैं इसमें डाल के मैं इसमें, और मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी 1 टेबलस्पून, और मैं इसमें डाल दूँगी ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको क्लीन रैप से अराउंड 2 आवर्स के लिए या ओवर नाइट्स के लिए मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। और फिर जैसे कि हो जाता है तो मैं सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है मेयोनीज, 3 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज ले लिया है, और मैंने लिया है टमाटो सॉस 1 टेबलस्पून, और मैंने लिया है सॉल्ट एज़ पर टेस्ट ले लिया है मैंने, और उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, और लिया है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और मैंने लिया है 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके इसको साइड में रख दूँगी। और जो हमारा चिकन मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था वो हम देख लेंगे। तो अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है, और मैं इसको फिर मैदा ले लिया है मैंने, उसमें जो हमने मसाला रखा था 2 टेबलस्पून भर के, तो वो इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हमने जो चिकन लिया था वो इसमें 1 बाय 1 इसको डिप करेंगे मैदे में। अच्छे से डिप करने के बाद मैदे में मैं इसमें पानी में डाल दूँगी, और मैं इसको अराउंड 5 to 6 सेकेंड मैं इसको रख के वापस से कोट करूँगी। और जैसे ही ये अच्छे से सेकेंड कोट हो जाता है मैं इसको साइड में रख लूँगी। ऐसे ही करके मैं जितने भी हमारे चिकन हैं वो सबको ऐसे कोट करके रख लूँगी। तो ऐसे ही मैंने सारे अच्छे से कर लिया है कोट, और मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 2 to 3 मिनट्स के लिए मैं इसको फास्ट फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं स्लो फ्लेम पे करूँगी। ऐसे ही हम दोनों साइड इसको फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद सब फ्राई हो जाने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं इसको अच्छे से ये दूसरे प्लेट में मैं निकाल लूँगी अब इसको सारे चीज़। और जैसे ही ये हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा बनाता है, बहुत डिलीशियस बना है। और उसके बाद में चलो असेंबल करते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले मैं ये टॉर्टिला ले ली हूँ, और ये आप नॉर्मल रोटी भी ले सकते हैं, आपका प्रेफरेंस है। इसके पहले इसमें डालूंगी मैं ये मैरिनेटेड सॉस, जो हमने सॉस बनाया था वो इसमें अच्छे से अप्लाई कर देंगे पूरे में। और फिर उसके बाद मैं इसमें जो डालूँगी, कोई भी मेयोनीज़ आप डाल सकते हैं, मैं गार्लिक मेयोनीज़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल है तो आप ये भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लैक्टस, और मैंने चिकन जो फ्राई किया था वो चिकन इस पे रख के टमाटो और अनियन आप इस पे डाल सकते हैं। अनियन मेरे को नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालने वाली हूँ। और भी जो भी वेजेस आपको डालना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको मैं इसको अच्छे से रैप कर दूँगी, और रैप करने के बाद हमारा रैप रेडी हो गया। KFC चिकन स्टाइल रैप इज़ रेडी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपको कौन से वीडियोस और देखना पसंद है या आपको देखना है बनाने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।